विषम समीकरणों में कांग्रेस के भीतर रहे और बने रहे, वो छोड़ कर नहीं गए। और सचिन पायलट को भी पता है कि जो रुझान है, जो उनका एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जन्मत है उनका, वो कांग्रेस की वजह से पर है, क्योंकि वहां पर लगातार कांग्रेस एक बेहतर स्थिति में, और जहां तक सत्ता में रिपीट होने की बात है तो आप देखिए राहुल गांधी का वो बयान आपको याद होगा, जब राहुल गांधी से पहले भी कई मौकों पर कि यहां पर पायलट अपनी उड़ान सही से भर नहीं पा रहे, जादूगर बार बार पायलट का विमान ध्वस्त कर दे रहे हैं। सचिन पर जो ये गुटबाजी होती आते हुए भूख हड़ताल तक करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, यात्रा निकालते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी समझ रही है कि इन तमाम मामलों को जहन पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव, तीन में मतदान हो चुका है और अब दो और राज्यों में मतदान होना है। बात ऐसे में राजस्थान की, क्योंकि ये इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच ही कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है और दोनों ही दल अब अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये राज्य इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि 30 सालों से एक परंपरा इस राज्य में देखने के लिए मिल रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार ये परंपरा टूट जाएगी, लेकिन आखिरकार कैसे, क्योंकि जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसी कांग्रेस इस वक्त अपनी पार्टी को बचाने की जद्दोजहद में लगी है। महज दो दिन अब वोटिंग में बचे हैं और ऐसे में क्या कांग्रेस इस दावे को पूरा कर पाएगी। नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासत लगातार गरमाती हुई नजर आ रही है। इस दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान पहुंचते हैं और सीधे सीधे वो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर एक ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद क्या सचिन पायलट अब वोटिंग से दो दिन पहले कोई बड़ा खेल यहां पर कर सकते हैं, और इसी सवाल के लिए हम अपने न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री का ये कहना कि राजेश पायलट जो सचिन पायलट के पिता थे उनकी एक गलती की सजा आज तक पार्टी सचिन पायलट को देती हुई नजर आ रही है। यहां पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी मौजूद हैं और उन्हीं से सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके इस पूरे बयान को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया है। तो देखिए, कल अगर बात करें प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरने का काम किया, लेकिन यहां पर वो सचिन पायलट को लेकर हमदर्दी जाहिर करते नजर आए, उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। सबसे पहला तो सवाल यही रहेगा कि पीएम मोदी ने जो सचिन पायलट की तारीफ की है, जो उनके लिए वो दुख जाहिर करते हुए नजर आए हैं, क्या ये एक उनका राजनीतिक दांव है मतदान से पहले? देखिए प्रज्ञा, ये मतदान से पहले जो एक फूट डालो और राज करो नीति है उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते दिखे, पर पीएम मोदी ने इससे भी पहले कई बार जिक्र किया कि जो सचिन पायलट है, कई मौकों पर इस कल भी जिक्र और उससे पहले भी कई मौकों पर कि यहाँ पर पायलट अपनी उड़ान सही से भर नहीं पा रहे, जादूगर बार बार पायलट का विमान ध्वस्त कर दे रहे हैं। सचिन पर जो ये गुटबाजी होती है किसी भी दल की, ये हर नेता ये कोशिश करता है कि जब चुनाव आए तो इस गुटबाजी का माकूल फायदा उठाया जाए और जो विपक्षी दल है उसको उसी की गुटबाजी में घेर कर ध्वस्त कर दिया जाए या जनता के बीच में एक ये थॉट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाए कि जो लोग आपस में इतना ज्यादा लड़ रहे हैं, एक दूसरे को धूल दसरित करने में लगे हैं, जूतम पैजार मची हुई है एक दूसरे आपस में ही पार्टी के भीतर, तो वो जनता का हित क्या संरक्षित करेंगे, जनता को कैसे वो बेहतर, उनके भविष्य को बेहतर रूप से संरक्षित करेंगे, तो एक जो ये बात है उसी का फायदा उठाने की कोशिश की है कल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने। अब देखना है कि जनता के बीच में इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन जहां तक मेरा सोचना है कि जनता जो है इस बार मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है और
जिस अब जो देखिए एक परिवर्तन मैंने देखा है कि पिछले कुछ चुनावों में हुआ है, जैसे आप कर्नाटका की बात करें तो अगर हम कर्नाटका का चुनाव जो एकदम रिसेंट चुनाव हुआ है वहां पर भी हमें देखा गया इसी तरह की बातचीत हुई, डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया करने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, लेकिन जनता ने उस मसले के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि जनता अब ये बात समझ चुकी है कि बदलाव जो भाजपा पूछती है कि बदलाव क्या है, तो जनता ने जिसको जिसके विकल्प में लाकर रख दिया वही बदलाव है। पहले यहाँ पर राकेश जी अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भविष्य को लेकर वो कोई बड़ी तैयारी कर रहे, क्योंकि आपको भी याद है 2018 में भी हमने देखा था कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जीत हासिल की थी, लेकिन तब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं अपना एक झुकाव जाहिर करती हुई नजर आई थी और किस तरह से 15 महीनों के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। तो क्या प्रधानमंत्री एक बार फिर से यही चीज राजस्थान में तो नहीं दोहराने वाले, क्योंकि अगर आंकड़ों को देखा जाए तो इस वक्त कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, जीत की काफी ज्यादा आशंका लगाई जा रही है। तो क्या पता प्रधानमंत्री की रणनीति इसलिए हो कि अगर कांग्रेस जीत हासिल कर भी ले तो कुछ महीनों के बाद सचिन पायलट यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बनते हुए नजर आए, क्योंकि नाराजगी कई बार वो जाहिर कर चुके हैं। तो सचिन पायलट की तारीफ कहीं विधानसभा चुनाव के आगे की रणनीति तो नहीं हो सकते प्रधानमंत्री के? देखिए प्रज्ञा, हमारे देश में बहुत बड़े दार्शनिक हुए, नाम था उनका चाणक्य। चाणक्य ने एक बहुत बेहतर चीज ये बोली थी कि कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए, जीवन भर आप अपनी ही खुद गलती कर करके सीखते रहेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। सचिन पायलट ने सिंधिया से सीखा होगा। सिंधिया परिवार का जो आप इतिहास देखें तो उनके पिता माधवराव सिंधिया, मैं जब वो माधवराव सिंधिया भी एक बार कांग्रेस छोड़कर जा चुके थे, बहुत मान मनोबल हुआ तब वो कांग्रेस में आए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं कर गया, अचंभित नहीं कर गया। लेकिन सचिन पायलट जानते, उनके पिता राजेश पायलट भी बहुत विषम समीकरणों में कांग्रेस के भीतर रहे और बने रहे, वो छोड़ कर नहीं गए। और सचिन पायलट को भी पता है कि जो रुझान है, जो उनका एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जनमत है उनका, वो कांग्रेस की वजह से है। और सिंधिया को जो मिला बीजेपी में जाने के बाद वो कुछ ऐसा नहीं मिला जो कि सिंधिया एकदम आज भीतर ही भीतर गदगद होंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा को तो मुख्यमंत्री का पद मिला, लेकिन सिंधिया ना 3 में है ना 13 में है। तो सिंधिया का के हालात देखकर सचिन पायलट ने शायद अपने कदम रोक लिए, या वो समझदार ज्यादा निकल गए कि उनको लगा कि भाई अपने यहाँ रहो, यहाँ पर रहेंगे तो कुछ बेहतर ही होगा, वहां जाएंगे तो जो महाराज थे कांग्रेस में, कई विजुअल ऐसे हैं, मैं किसी बड़े नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने देखा कि वो कैसे महाराज अपने ही घर में उन नेताओं को खाना सर्व कर रहे हैं, उनका बैग उठा रहे हैं। तो महाराज की हालत देखकर पायलट ने सोचा होगा कि जितनी भी उड़ान है कांग्रेस में भर ली जाए, दूसरे का जूठन खाने से क्या फायदा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर राकेश जी ने कहा कि सचिन पायलट का ये जो यहाँ पर जो रुख है वो अभी कहीं ना कहीं साफ तौर पर माना जा सकता है कि अभी वो कांग्रेस की तरफ ही रहेगा। अब यहाँ पर सवाल लगातार ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि जहाँ एक ओर अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव को लेकर कई बड़े वादे करते हुए नजर आ रहे हैं, 7 गारंटियां यहाँ पर लाई गई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अशोक गहलोत तो अपनी जीत को भूल ही जाएं, क्योंकि इस बार अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव में कहीं से कहीं तक नजर नहीं आने वाले हैं। और इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी अब्रार से जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को आखिरकार वो किस तरह से देख रहे हैं, क्या वाकई में इस बार एक बार फिर से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में वापसी करती हुई नजर आएगी, 30 सालों से चली आ रही परंपरा और 5 सालों के लिए देखने के लिए मिल सकती है। अब्रार, क्या लग रहा है जो प्रधानमंत्री ने कल बयान दिया है, अशोक गहलोत की सरकार वापसी करती हुई सत्ता में नजर आएगी या नहीं? देखिए, अशोक गहलोत ने जो काम किए हैं, जिन योजनाओं पर उनका फोकस रहा बीते 5 वर्षों में, जाहिर सी बात है कि कई इलाकों में बेहतर काम हुआ है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं, खासतौर से आप देखिए कि अगर अशोक गहलोत लगातार भरतपुर संभाग के इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वहां पर जाकर के उन तमाम सीटों पर एक बार फिर से कांग्रेस की एक बड़ी जीत की जो है एक तरीके से हासिल करने के लिए वो जनता से मुलाकात कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं
तय करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की भी आप कहें कि कोशिश जो है वो भरतपुर संभाग के उन 19 सीटों पर है, क्योंकि वहां पर लगातार कांग्रेस एक बेहतर स्थिति में, और जहां तक सत्ता में रिपीट होने की बात है तो आप देखिए राहुल गांधी का वो बयान आपको याद होगा, जब राहुल गांधी इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जीतने पर अपने पक्ष को रखते हैं, अपनी राय को रखते हैं, तो वो राजस्थान को लेकर के कहते हैं कि राजस्थान में भले ही जो है डमाडोल की स्थिति जरूर है, लेकिन बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो है एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। तो राजस्थान को लेकर के खुद राहुल गांधी जब आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है या उनको ये उम्मीद नहीं है कि वहां पर जो है पक्ष उनके जो है हक में आएंगे, तो कहीं ना कहीं हालात जो है और राजनीतिक स्थिति जो इस समय बन रही है राजस्थान की वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, कांग्रेस का आपने जिक्र किया, तो अब तक जितने भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर मतदान से पहले भी तनातनी देखने के लिए मिलती है, और जब कांग्रेस की सरकार बन जाती है तब भी ऐसा देखने के लिए मिलता है। राजस्थान में भी चीज का सामना कांग्रेस कर चुकी है और अभी तक करती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट अभी तो भाईचारा दिखा रहे हैं, दोस्ती दिखा रहे हैं, प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, लेकिन जब जीत हासिल होती हुई नजर आएगी 3 दिसंबर को, जब रिजल्ट आ जाएंगे, तो ये भाईचारा तब भी रहेगा या फिर एक बार फिर से गहलोत और पायलट मुख्यमंत्री पद को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल देखा जाए तो तमाम चेहरे जो है, चाहे वो अशोक चांद्रा हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, विजय बैसला हो, प्रसादी लाल मीना हो, ये तमाम एक साथ जो है एक मंच पर आकर के एक मुद्दे पर अपनी सहमति को जता रहे, लेकिन जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी की अगर जीत होती है तो उसके बाद कांग्रेस हाईकमान के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि राजस्थान की राजनीति में जो बीते 1.5 वर्षों में राजनीतिक उथल पुथल हुई है उसको वो कैसे बैलेंस करे, और खासतौर से सीएम पद को लेकर के जो दोनों नेताओं के बीच खींचतान हमने देखा और वो सबके सामने था, ये कोई ढकी छिपी चीज नहीं थी। सचिन पायलट जिस बगावती तेवर को अपनाते हुए भूख हड़ताल तक करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, यात्रा निकालते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी समझ रही है कि इन तमाम मामलों को ध्यान में रख कर के मंत्रालय का जो बंटवारा होगा या फिर पद को लेकर के कोई भी पद हो उसको कहीं ना कहीं ध्यान, अभी अगर हम बात करें जो सीटों का बंटवारा हुआ है दरअसल उसमें भी काफी ज्यादा एहतियात बरती गई है, क्योंकि सचिन पायलट का जो पूरा इलाका है टोंक का, वहां पर उनके ही हिसाब से तमाम जो उम्मीदवारों को तय किया गया है, तो आप सोचिए कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल डर है, और इसी डर का कारण था कि CWC का उन्हें हिस्सा बनाया गया चुनाव से ठीक पहले, और खुद सचिन पायलट ये बात समझते हैं कि अभी अगर वो इन बातों को उठाते हैं तो अगर चुनाव कांग्रेस पार्टी जो अपने कामों की वजह से हारती है या फिर अशोक गहलोत के उन तमाम गलत नीतियों की वजह से हारती है तब भी सारा ठिकरा सचिन पायलट के सर पर मढ़ दिया जाएगा। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये खामोशी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अब्रार। तो वाकई में देखिए जितने भी यहाँ पर सवालों के जवाब मिले हैं उनसे अब तक यही समझ में आ रहा है कि राजस्थान में वोटिंग के लिए भले ही यहाँ पर लगभग अगर बात करें 48 घंटे बचे हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि जीत यहाँ पर किसकी होगी, लेकिन सवाल लगातार यही बन रहा है कि 30 सालों से चली आ रही परंपरा क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में अब बदलती हुई नजर आएगी, टूटती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको कि आखिरकार इस बार किसका होगा राजस्थान? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 News।